तरी माझ्यावरती कारवाई होईल। देखो अगर कोई ऐसा गुनाह किया है जिसके बारे में लोगों के मन में एक चीढ़ है, एक 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 संताप रोष है, INS विक्रांत का घोटाला इन लोगों को बहुत ही डिस्टर्ब करने वाला घोटाला है। लोगों से पैसा जमा किया INS विक्रांत के नाम पर, लोगों से पैसा जमा किया INS विक्रांत सेव के नाम पर, देश को गुमराह किया, जनता को गुमराह किया। ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर जनता सड़क पर उतरी है और दो पत्थर मारे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इतना दर्द होने का कोई जरूरत नहीं है ना। ऐसे गुनहगारों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की भी यही राय रही हमेशा, जो देशद्रोही है, जो गुनहगार है, जनता उसको माफ नहीं करेगी। फिर भी पुलिस ने कल कंट्रोल किया है ठीक तरह से। महाराष्ट्र की जनता ऐसे गुनहगारों को माफ नहीं करेगी, मैं आपको बताता हूं। दूसरी बात, INS विक्रांत घोटाला करने वाला जो आरोपी है, आपको मैं बताना चाहता हूं, उसका जो कोई युवक प्रतिष्ठान है, युवक प्रतिष्ठान के पूरे अकाउंट्स चेक करने चाहिए। चैरिटी कमिश्नर के पास जो हिसाब किताब दिया है ना, उनके डोनर्स कौन है, किसने उनको पैसा अब तक दिया है, और वो डोनर्स का कैरेक्टर, उसमें से बहुत से डोनर्स मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं अभी जल्दी ही, बहुत से डोनर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है। उनके पास से युवक प्रतिष्ठान के लिए लाखों करोड़ रुपए लिया गया है किरीट सोमैया की उस ट्रस्ट को। आप किरीट सोमैया पूछेगा कागज कहाँ है, तो कागज तो आपके पास ही है। मैं आपको 10 नाम बताऊंगा कि ये कंपनी से आपने पैसा लिया है और उस आपने उससे धमका कर पैसा लिया है ईडी एक्शन के नाम पर। जो के जीतू नवलानी का है, जो EOW जांच कर रहे, वही केस युवक प्रतिष्ठान के बारे में किरीट सोमैया की है, और किरीट सोमैया अगर ज्यादा बोलेगा तो उनके मुंह में मैं कागज डाल दूंगा। अरे छोड़ दीजिए, वो सेंट्रल का झेड प्लस सिक्योरिटी, ये भी एक घोटाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको झेड प्लस सिक्योरिटी या वाई प्लस सिक्योरिटी दे रही है ना, वो तो ये देश का सबसे बड़ा सिक्योरिटी घोटाला है। जैसे हाईकोर्ट में मैंने कहा ना दिलासा घोटाला चल रहा है, वैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरे देश में एक सिक्योरिटी घोटाला चल रहा है। जो भी व्यक्ति ममता बनर्जी के खिलाफ बात करेगा, वहाँ के सरकार के खिलाफ बात करेगा, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी हो, शिवसेना हो, हम सब हो, हमारे खिलाफ कोई झूठी मूठी बातें करेगा, तो उनको तुरंत झेड प्लस सिक्योरिटी, वाई प्लस सिक्योरिटी देने का एक लगता है जार निकल दिया है। और यही क्वालिफिकेशन है, झारखंड में कोई बात करेगा, केरल में कोई बात करेगा, तो उनको तुरंत, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। और देखो जो करना है कर दीजिए, जनता देख रही है। मग केंद्रीय तपास यंत्रणा कोणासाठी काम करतायत, न्यायालय कोणासाठी काम करतायत? या देशातल्या केंद्रीय तपास यंत्रणा कोणासाठी काम करताय, कोणाच्या इशाऱ्यावर काम करताय? न्यायालय कोणाच्या इशाऱ्यावरती दिलासे घोटाळे करताय? आजच मुख्य न्यायाधीश रामण्णा यांचे एक स्टेटमेंट वृत्तपत्रामध्ये आलेलं आहे, आपण पहा की न्यायालयाचा विश्वास आपण गमावत चाललेलो आहोत, आणि हे देशापुढलं सगळ्यात मोठं आव्हान आहे। सुप्रीम कोर्टाचे सर्वोच्च न्यायाधीश सुद्धा जर हे असं बोलत असतील तर वकिलीची परीक्षा पास झालेले देवेंद्र फडणवीस यांनी हे गांभीर्य समजून घेतलं पाहिजे। पण सध्या हे कोणतेही गांभीर्य समजून घ्यायच्या मनस्थितीत दिसत नाही सत्ता गमावल्यामुळे। देश के ना, अच्छा सबसे पहले इस बारे में देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए। अगर उनको महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कुछ उसके मन में सवाल है, लीडर ऑफ अपोजिशन के मन में, तो ये एक परंपरा और प्रथा रही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन अपने डेलीगेशन के साथ राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गृहमंत्री से मिलते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, मुख्यमंत्री उनकी बात सुन लेते हैं। बाद में अगर आपको राष्ट्रपति के पास जाना है,
यूनाइटेड नेशन में जाना है, सिक्योरिटी काउंसिल में जाना है अंतर्राष्ट्रीय, तो आप जा सकते हो, लेकिन जो भी कुछ हो गया तो दिल्ली में भागते हैं, वहाँ के होम मिनिस्टर से मिलेंगे, वहाँ के होम सेक्रेटरी से मिलेंगे। ये क्या तमाशा लगाया है लोगों ने। महाराष्ट्र में एक चुनी हुई सरकार है और पूरी बहुमत वाली सरकार है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन सी डेमोक्रेसी की बात करते हो? डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकशाही धोक्यात है, म्हणतात ना लोकशाही धोक्यामध्ये। या महाराष्ट्रातली लोकशाही, या महाराष्ट्रातली कायदा आणि सुव्यवस्था, या महाराष्ट्रातली शांतता जर धोक्यात कोणी आणली असेल, त्याला सर्वस्वी जबाबदार या महाराष्ट्रातला अपरिपक्व विरोधी पक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो जिम्मेदार है। महाराष्ट्र में जो स्थिति पैदा हुई है लॉ एंड ऑर्डर की, पैदा करने की कोशिश हो रही है, उनके लिए लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रतिपक्ष जबाबदार है। मी समर्थन करतो, शिवसेना समर्थन करते, कारण बोगत जात प्रमाणपत्र घोटाळ्यातले एक आरोपी, तिच्या त्या त्यांच्यावरती इतर अनेक गुन्हे दाखल आहेत। हे आरोपी जरी बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे निवडून आले असले तरी ते आरोपीच आहेत। हायकोर्टानं त्या संदर्भातला एक निर्णय दिलेला आहे। मुंबई पोलिसांचा एक अहवाल आहे की हे आरोपीच आहेत, त्यांनी खोटी प्रमाणपत्र तयार केली। असे आरोपी मातोश्रीवरती येऊन हनुमान चालीसा पठण्याच्या निमित्तानं लॉ अँड ऑर्डरचा प्रश्न निर्माण करत असतील तर शिवसैनिक आक्रमक होणारच का? तुम्ही होत नाही का? तुमचं काहीतरी एक तिथे कुठली तरी गाडी फोडली म्हणताय मानखुरला, तर तुम्ही ना का आक्रमक झालात? हां, काय पोलखोल काय चोलखोल काय केल्या, लोकांचं काहीतरी तोडलं, तुम्ही काय केलं? मग आक्रमक व्हायचा अधिकार फक्त तुम्हाला आहे महाराष्ट्रात। आमच्या रक्तामध्ये आक्रमकता आहे, तो हम कसे चूप बैठेंगे? हमारे शिवसैनिक है, बालासाहेब ठाकरे जी के शिवसैनिक है। आपने देखा होगा युवा आए थे और बूढ़ी एक, आपने देखी होगी हमारी अजी भाई, हाँ 80 साल की, हाँ चंद्रकांता अजी, चंद्रभागा, तो ये सब लोग सड़क पर उतरे थे ना। और देखो, मैंने कल भी कहा था और ये उद्धव जी की भी राय है, ये सत्ता बित्ता हमारे लिए कुछ नहीं, आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन शिवसेना रहेगी। तो ये धमकियाँ देना, देख लेंगे, दिल्ली में जाएंगे, होम सेक्रेटरी को मिलेंगे, राष्ट्रपति जी को मिलेंगे, हाँ मिल लीजिए भाई, मिल लीजिए, जो करना हो कर लीजिए। ठीक है, त्यांना गांभीर्याने घेऊ नका, त्यांना फार गांभीर्याने घेऊ नका। वैफल्यग्रस्त माणूस अशा प्रकारची व्यर्थ बडबड करतो, हातामध्ये दोन केंद्रीय तपास यंत्रणांची मोहरके असल्यावरती, बावले असल्यावरती त्यांना हे सगळं सुचत आहे, सुचू द्या। पण महाराष्ट्रातली परिस्थिती काय आहे ही जनता आणि देश पाहतो आहे। तुम्ही अशा प्रकारे बेकायदेशीरपणे या राज्यामध्ये काही कृत्य करण्याचा प्रयत्न करत असाल तर त्या अतिरेकी कारवाया सहन केल्या जाणार नाहीत। शिखंडी भी जाएगा और आप भी जाएंगे, ये महाभारत का युद्ध का इतिहास पढ़ लीजिए आप। चलिए, और मैं फिर एक बार बोलता हूं, ये जो किरीट सोमैया है उसका तो टॉयलेट घोटाला तो चल रहा है, आ जाएगा अभी, लेकिन युवक प्रतिष्ठान जो एक एनजीओ चला रहे हैं और एनजीओ के आड़ में जो डोनर्स हैं उनके, जो पैसा जमा कर रहा हो करोड़ों रुपया, उसके डोनर्स की लिस्ट जल्दी ही मैं जारी करूंगा। उसने धमकियां देकर, ईडी की धमकियां देकर, सीबीआई की धमकियां देकर कैसे कैसे लोगों से पैसा जमा किया है बड़ी मात्रा में, वो भी सामने आ जाएगा। अब वहां से बोलेगा कागज किधर है, आप अपने कागज खुद देख लीजिए भाई डोनर्स के, और जो लिस्ट आपने चैरिटी कमिश्नर को दे दिया है ना डोनर्स की, वो भी एक बार
उसके ऊपर नजर डालिए, तो आपको पता चलेगा आपने किसी किसी लोगों से एक्सट्रॉशन किया है ईडी का धमकिया देकर, आ जाएगा। प्रधानमंत्री यहाँ मुंबई में है, प्रधानमंत्री जी का स्वागत है, प्रधानमंत्री हमारे हैं, लता मंगेशकर पुरस्कार सम्मान उनको मिला है, हम बहुत खुश है, आनंदित है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका स्वागत होना चाहिए मुंबई में, तो हमारे प्रधानमंत्री जी मुंबई में आएंगे। सर प्रोटोकॉल अनुसार मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नेहमी प्रधानमंत्र्यांची प्रतिष्ठा सांभाळत असतात आणि त्यांना